What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. Hakka noodles बना रहा हूँ एकदम restaurant style. अब घर पर हाका noodles जब भी बनाते हैं तो कुछ चीज़ों की complaint होती है कि सब्जियाँ बराबर से नहीं कटी, noodles बराबर से boil नहीं हुए, वो taste नहीं आया restaurant वाला. तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली तीन चीज़ें कवर करने वाला हूँ. सबसे पहले कि हाका नूडल्स या कोई भी नूडल्स जब बनाते हैं तो बेसिक चाइनीज स्टाइल सब्जियां कैसे कट करनी है नूडल्स के लिए, वो आपको बताने वाला हूँ. दूसरी चीज़, नूडल्स एकदम परफेक्टली बॉइल कैसे करने हैं जिससे वो टूटेंगे नहीं, सॉगी नहीं होंगे और एकदम परफेक्ट नूडल्स बनेंगे, वो बताने वाला हूँ. और तीसरी चीज़, वो एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर लाने के लिए वॉक कैसे यूज़ करना है और वॉक को कैसे तैयार करना है यूज़ करने के लिए, वो भी आपको बताने वाला हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिससे आप ये तीन टेक्निक्स अगर सीख लें तो नूडल्स अपने घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम ईजिली आप बना सकते हैं. तो सबसे पहले सब्जियाँ कैसे कट करते हैं नूडल्स बनाने के लिए, वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले गाजर को जूलियंस में कट कर रहा हूँ. गाजर को पील करके इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर रख देना है और एक साइड से आपको ट्रिम कर लेना है. आप देख सकते हो मैंने एक स्लाइस कट कर लिया है. अब ये कटा हुआ जो साइड है ये आपको चॉपिंग बोर्ड पर इस तरीके से रख देना है. आप देख सकते हो अभी गाजर जो है मूव नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्लैट हो चुका है, इसका एक बेस बन गया है. अभी इसे काटने में हमें आसानी हो जाएगी. अभी इसे हमें ऐसे डायगनली स्लाइसेस में कट करना है. तो डायगनली ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में पूरे कैरेट को कट कर लीजिए. आपने एक बार स्लाइसेस ऐसे कट कर लिए हैं तब आपको क्या करना है, अच्छे से इन स्लाइसेस को ऐसे अरेंज कर लेना है ताकि इनके आप जूलियंस कट कर पाओ. ऐसे पतला पतला मैचस्टिक जैसे आपको कट करना है तो ऐसे कट करते जाइए. अगर आपको इस तरीके से थोड़ी डिफिकल्टी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दो चार स्लाइसेस लीजिए, उनका एक स्टैक तैयार कीजिए. स्टैक तैयार होने के बाद इसे ऐसे पतला पतला कट कर लीजिए. ये आसान हो जाता है थोड़ा तरीका. इस तरीके से गाजर को कट कर लीजिए और आप देख सकते हो ऐसे मैचस्टिक जैसा कट बन जाएगा जिसे जूलियन कहा जाता है. और गाजर को इस तरीके से आपको नूडल्स के लिए कट करना है. अब कैबेज को शेफोनाथ कट में हमें कट करना है. तो कैबेज को पहले ऐसे दो हिस्सों में काट लीजिए. अब एक हिस्सा लेके फ्लैट वाला जो साइड है वो चॉपिंग बोर्ड पे रख दीजिए और फिर से आधे हिस्से में काट लीजिए, यानी कि क्वार्टर्स में भी आपने कैबेज को कट कर लिया है. अब आप देख सकते हो ये स्टेम और कोर वाला हिस्सा है, इसे हमें निकालना है. तो पहले तो मैं नाइफ से स्टेम को कट करके निकाल रहा हूँ और अलग कर रहा हूँ. और साथ ही मैं आप देख सकते हो ये जो कोर वाला हिस्सा है इसे भी पतला पतला काटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसे भी मैं अलग से निकाल रहा हूँ. इन चीज़ों को आप स्टॉक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. अब आपको जो कैबेज मिल गया है इसे इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे रख के आपको अपने पाम से अच्छे से इस पर प्रेशर अप्लाई करना है कि ये काफ़ी फ्लैट हो जाए और इसे काटने में आसानी हो जाए. अभी आपको नाइफ़ यूज़ करके इस तरीके से लंबा लंबा कट करना है और पतले पतले श्रेड्स में कट करना है. तो ऐसे जितना पतला हो सके उतना पतला कट कीजिए और कैबेज को ऐसे पतले पतले श्रेड्स में काट लीजिए. आप देख सकते हो मैंने कैबेज को अच्छे से काट लिया है, एकदम पतली पतली कैबेज कट चुकी है और इसे शेफोनाथ कट कहा जाता है. इस तरीके से आपको नूडल्स के लिए कैबेज को हमेशा काटना है. अभी कैप्सिकम कैसे काटते हैं वो देख लेते हैं. तो कैप्सिकम का टॉप और बॉटम आपको पहले कट कर लेना है. तो इस तरीके से टॉप और बॉटम को कट कर लीजिए. अब कैप्सिकम को इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे खड़ा रख दीजिए. खड़ा रखने के बाद एक आपको स्लिट कट करना है, तो ऐसे स्लिट बना दीजिए नाइफ से. अब कैप्सिकम को ऐसे लिटा दीजिए चॉपिंग बोर्ड के ऊपर. जो स्लिट है उसके अंदर आपको नाइफ को ऐसे प्लेस करना है. नाइफ को प्लेस करने के बाद आपको नाइफ को ऐसे नीचे दबाना है चॉपिंग बोर्ड की तरफ और आगे मूव करना है. आगे मूव करते हुए कैप्सिकम को आपको खोलते जाना है और उसके कोर को अलग कर लेना है. तो आप देख सकते हो मैंने कैसे नाइफ से काट लिया है और कोर को अलग कर लिया है. अब आपको कैप्सिकम की ऐसी एक लंबी सी शीट मिल जाएगी, इसे आपको तीन से चार हिस्सों में डिवाइड कर लेना है. तो इस तरीके से तीन चार इंच के सेक्शंस अलग से डिवाइड कर लीजिए. अभी आप इसे लेंथ वाइज या विड्थ वाइज कट कर सकते हैं. मैं आज विड्थ वाइज कट कर रहा हूँ. आपको लगभग अभी 2 से 3 mm के स्लाइसेस कट करने हैं, एकदम पतले स्लाइसेस या एकदम मोटे स्लाइसेस नहीं कट करने हैं. जैसे नूडल्स होते हैं उसके बराबर के स्लाइसेस आपको कट कर लेने हैं. आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कैप्सिकम की जो स्किन है उसका साइड चॉपिंग बोर्ड की तरफ रखा हुआ है. इस तरीके से जब आप कैप्सिकम को कट करेंगे आपको आसानी हो जाएगी कैप्सिकम को काटने में. अब आप देख सकते हो मैंने कैप्सिकम के जूलियंस या स्लाइसेस कट कर लिए. इस तरीके से ही आपको नूडल्स के लिए कैप्सिकम को कट करना है. अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तरीका तो और एक तरीका बताता हूँ. पहले कैप्सिकम के साइड्स को इस तरीके से कट कर लीजिए. ऐसे चार साइड्स कट करने हैं शिमला मिर्च के. अब कैप्सिकम का जो टॉप है और कोर है वो अपने आप ऐसे अलग हो जाएगा. आप अभी ऐसे लेंथ वाइज या विड्थ वाइज कट कर सकते हैं.
मैं आपको एक पीस कट करके बता रहा हूँ, स्किन साइड को नीचे रखते हुए आपको इस तरीके से पतले पतले जूलियंस कट करने। इस तरीके से भी आप इजीली कैप्सिकम के जूलियंस कट कर सकते हो। तो अब प्याज को काट लेते हैं। प्याज के टॉप और बॉटम को कट करके मैंने पील कर लिया है। अब प्याज को दो हिस्सों में आपको बीच में से डिवाइड कर लेना है। प्याज को भी फ्लैट साइड नीचे रख के आपको इस तरीके से इस साइड पे आपको स्लाइसेस कट करने हैं। तो एकदम पतले पतले स्लाइसेस कट करने, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं कर देने। जैसे हमने कैप्सिकम में लगभग 2 mm के स्लाइसेस कट किए थे, वैसे ही स्लाइसेस कट करने, तो इनका टेक्सचर जो है नूडल्स में एकदम बराबर आता है। तो आप देख सकते हो मैंने प्याज को कैसे स्लाइस कर दिया है। स्लाइस करने के बाद प्याज को आपको ऐसे खोल लेना है, इसके जो लेयर्स हैं इसको अलग अलग कर लेने। आप देख सकते हो मैंने ऐसे बस सारे लेयर्स को अलग अलग कर लिया है, और इसी तरीके से प्याज के स्लाइस आपको नूडल्स के लिए कट करने हैं। अब लास्ट में स्प्रिंग अनियंस को कट कर लेना है। तो साफ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ले लीजिए। अब इसको आपको साथ में रखकर इस तरीके से 1 inch लंबे लंबे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को आपको कट कर लेने हैं। तो इसी तरीके से 1-1 inch की दूरी पर कट मारिए। इस तरीके के आपको स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स मिल जाएंगे जो आप कुकिंग के टाइम यूज करेंगे। अब गार्निश के लिए स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को चॉप करना है। तो इसी तरीके से साथ में थोड़े बहुत स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को रखिए और एकदम पतला पतला स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को चॉप कर लीजिए। और इस तरीके से आप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को गार्निश के लिए चॉप कर सकते हैं। तो सारी सब्जियां मैंने आपको बता दी हैं किस तरीके से काटनी है। हाका नूडल्स में बहुत बेसिक सब्जियां यूज होती हैं ये वाली, और बहुत ही आसान है ये सब्जियों को कट करना। आप इस तरीके से एक बार टेक्निक यूज़ करके कट करके देखिए, और आपका जो सब्जियों का टेक्सचर है, जो लेंथ है, विड्थ है, वो एकदम परफेक्ट आएगी हक्का नूडल्स में। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो भी सब्जियां हमने कट की हैं वो नूडल्स के जैसे कट किए हैं, ताकि जब भी हम इसे कुक करें तो नूडल्स के साथ ये घुल मिल जानी चाहिए, और एकदम अलग से वो सब्जियों का जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आना चाहिए हक्का नूडल्स में। बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। तो कैबेज भी लंबी लंबी काटी है, गाजर और शिमला मिर्च भी लंबी काटी है। तो इसी तरीके से आपको नूडल्स के लिए सारी सब्जियां कट करनी है। तो ज़रूर ट्राई करो ये चीज़ अपने घर पे जब भी नूडल्स बनाओगे। तो अभी नेक्स्ट चीज़ जो है, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, कि नूडल्स को परफेक्टली बॉईल कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी को आपको रोरिंग बॉईल पे ले आना है। तो एकदम पानी अच्छे से उबल जाना चाहिए। फिर इसके अंदर आपको टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है और 1 teaspoon तेल ऐड करना है। इस तरीके से आपका पानी तैयार हो जाएगा नूडल्स को बॉईल करने के लिए। अब आपको इसमें नूडल्स ऐड करने, मैं 1 packet नूडल्स इसमें ऐड कर रहा हूँ, लगभग 150 ग्राम है। बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दीजिए। नूडल्स को ऐड करने के बाद बस 30 सेकंड्स के लिए ही आपको जो फ्लेम है उसको हाई पर चालू रखना है। 30 सेकंड्स एक बार हो जाएं, तब आप देखेंगे कि नूडल्स जो हैं आपके छुट्टे छुट्टे हो जाएंगे। एक बार नूडल्स एक दूसरे से अलग होने लग गए तो आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करते ही आपको इसको ढक देना है। ढक के आपको टाइम लगाकर इन्हें बस 2 से 2.5 minutes के लिए आपको रिहाइड्रेट कर देना है। 2 से 2.5 minutes के बाद आप देखेंगे इसको खोलकर, तब जो आपके नूडल्स हैं वो अच्छे से एकदम अलग अलग हो जाएंगे, अच्छे से पक भी जाएंगे। इतना ही हमें पकाना है नूडल्स को। नूडल्स को टोंग से निकालकर एक छन्नी में ऐड कर दीजिए। छन्नी में ऐड करने के बाद इमिजिएटली ठंडे पानी से इसे रिंस कर देना है, ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। एक बार आपने पानी से इसे रिंस कर लिया है तो अच्छे से ऊपर से ऑयल ड्रिजल कीजिए। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो आपके नूडल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं, और आपके जो नूडल्स अभी एकदम परफेक्टली पक चुके हैं, और इससे आप एकदम परफेक्ट नूडल्स अब बना सकते हैं। तो नूडल्स को घर पर कैसे बॉईल किया जाता है एकदम परफेक्टली, आपने देखा कि कितना आसान है। बस टेक्निक फॉलो करनी है। क्या होता है, घर पर हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम नूडल्स को 7-8-10 minutes के लिए बॉईल कर लेते हैं, फिर गर्म पानी में ही रहने देते हैं। इससे क्या हो जाता है, सॉगी हो जाते हैं नूडल्स, ओवरकुक हो जाते हैं, और इनकी जो बाइट है वो भी चली जाती है। इसलिए मज़ा नहीं आता है नूडल्स घर पर बनाने में। बस सिंपल टेक्निक है, सबसे पहले तो रोरिंग बॉईल आ जाए पानी में, तभी नूडल्स को ऐड करना है। फिर उसके बाद गैस तब तक चालू रखनी है जब तक कि नूडल्स अलग नहीं हो जाते। लगभग 30 सेकंड से 1 minute में अलग हो जाएंगे। एक बार आपके नूडल्स अलग हो गए, गैस को बंद करके ढक देना है। ढक करके बस रिहाइड्रेट करना है। ये क्या होता है, नूडल्स पैकेट वाले जो होते हैं डिहाइड्रेटेड नूडल्स होते हैं, इन्हें रिहाइड्रेट करना है। और इन्हें जब आप गर्म पानी में बस 2-3 minutes के लिए रहने दोगे, ये अच्छे से रिहाइड्रेट हो जाते हैं। बस उतनी ही कुकिंग इस स्टेज पर इसमें ज़रूरी होती है, बाकी की जो कुकिंग है वो टॉस करते टाइम हो जाती है, और एकदम परफेक्ट आपके नूडल्स बनते हैं। तो ये आपको बस फॉलो करनी है टेक्निक, जो बाद में मैंने आपको टेक्निक बताई कि पानी से धो लो, उससे जो कैरी ओवर कुकिंग होती है वो रुक जाती है। और तेल डालने से
जो नूडल्स हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं। तो इसी तरीके से हमेशा नूडल्स बॉईल करने, कोई भी नूडल्स आप बना रहे हो, हक्का नूडल्स नहीं, दूसरे भी नूडल्स बना रहे हो, तो इसी तरीके से नूडल्स आपको बॉईल करने। तो दो कंपोनेंट्स हमारे नूडल्स के और सब्जियों के वो कंप्लीट हो गए। अभी तीसरी जो चीज़ है कि नूडल्स को पकाना कैसा है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, रेस्टोरेंट्स में एक वॉक यूज़ की जाती है और हाई फ्लेम यूज़ की जाती है। उससे एक टेक्निकल टर्म होता है चाइनीज़ कुकिंग में, वॉक है जिसे कहा जाता है, उससे एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा सा एक अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है और नूडल्स बहुत अच्छे से बनते हैं। उसके लिए एक वॉक यूज़ करनी पड़ती है। अब मेरे पास यहाँ पर एक घर पर वॉक है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी चाइनीज़ कुकिंग के लिए। बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और ये जो वॉक है, पर्टिकुलर वॉक है, मेरे घर में 20 साल से हम यूज़ कर रहे हैं और अभी तक वैसी की वैसी है। तो ऐसी एक वॉक आप ले सकते हैं। वॉक में क्या होता है, एकदम पतला साइज का सेक्शन होता है, एकदम पतली होती है, इसलिए बहुत फटाफट से एकदम हाई टेम्परेचर पर हीट हो जाती है। इस तरीके की वॉक यूज़ की जाती है। अगर वॉक नहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक कढ़ाई ले सकते हैं जो एकदम पतली हो आपके पास, और उसको आपको एकदम अच्छे से गर्म करना है हाई हीट के ऊपर। जब वो एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपको नूडल्स उसमें कुक करने हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉक को पहले एकदम अच्छे से गर्म कर रहा हूँ। एकदम जब ही गर्म हो जाएगा वॉक, उसमें मैं फिर ठंडा तेल डालूंगा। जब ही ठंडा तेल इसमें ऐड करेंगे तो वॉक का जो सरफेस है वो एकदम नॉनस्टिक हो जाएगा और इसमें हम नूडल्स एकदम अच्छे से कुक कर पाएंगे और इसमें नूडल्स में जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो वॉक को रखिए एकदम हाई फ्लेम पर, अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसके अंदर फिर मैं यहाँ पर अभी एक टेबलस्पून ठंडा तेल ऐड कर रहा हूँ। ठंडा तेल ऐड करने के बाद अच्छे से इसे रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए, कोट हो जाए पूरा तेल। उसके बाद इसमें हम अभी चीज़ें डालकर कुक करेंगे। तो एक टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1/3 कप स्लाइस किए हुए प्याज, 1/3 कप जूलियन की हुई गाजर, 1/3 कप स्लाइस की हुई कैप्सिकम और 1/3 कप कैबेज। अब इन वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद सिर्फ 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर आपको टॉस करना है। आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंच जो है वेजिटेबल्स में रहना चाहिए। फिर इसके अंदर एक चुटकी भर चीनी, 1/4 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। अब इसके अंदर उबले हुए नूडल्स ऐड कर दो, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चुटकी भर वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर और एक चुटकी भर एरोमेट पाउडर। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको इन्हें टॉस करना है मिक्स करते हुए। अब आप देख सकते हो मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से नूडल्स को टॉस कर लिया है और सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और आपके जो हक्का नूडल्स हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वो रेडी हो गए हैं। तो नूडल्स हमारे बस कुछ ही मिनटों में रेडी हो गए हैं। बस 3-4 मिनट लगते हैं और नूडल्स बन जाते हैं। इसमें जो तैयारी वाला बिट है वही थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कुकिंग प्रोसेस बहुत शॉर्ट होता है। आप एक बार अच्छे से आपकी कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, नूडल्स एकदम फटाफट बन जाएंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरीके से नूडल्स बनाओ। और एरोमेट पाउडर जो मैंने यूज़ किया है, काफ़ी बार कमेंट्स में लोग आप पूछते हो मुझे कि क्या यूज़ किया है। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में एक MSG अजीनोमोटो का रिप्लेसमेंट होता है, एक टेस्ट एनहांसर ही है, काफ़ी सारे ब्रांड्स में मिल जाता है। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत यूज़ कीजिए, तो भी आपके नूडल्स जो हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। नूडल्स रेडी हो गए हैं, प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स इसी तरीके से अपने घर पे बनाओ। तीनों टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करो और आप कोई भी नूडल्स घर पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इजीली बना पाओगे। तो ज़रूर ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल हक्का नूडल्स रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।